हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोर पेपर 10 BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स के, जो कोर पेपर 10 का आज एग्जाम हुआ उसके आंसर की को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विलियम वॉर्ड्सवर्थ हैड पेंट डैश लूसी पोयम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी है, वो है व्हाट लिटरेरी साउंड डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवन रेन इन द पोयम कुबला खान। तो ये जो पोयम था कुबला खान, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, एक लाइन यूज किया गया है, वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवर रेन। तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सिंबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज शेलीज मोटिव फॉर राइटिंग ओड टू द वेस्ट विंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पॉलिटिकल रीजंस। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द थीम टू ओड टू अ नाइटिंगेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर ई, टेनिसन्स ब्रेक 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 डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, आर्थर हेनरी हेलम। क्वेश्चन नंबर एफ, द स्प्लेंडर फॉल्स वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ व्हाट लॉन्गर वर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, अ लॉन्ग पोयम कॉल्ड द प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर जी, द राइम स्कीम ऑफ हाउ डू आई लव दी इज एज फॉलोज। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, लाइन्स 1 टू 8। इसमें क्या है, तो ABBA ABBA और लाइन्स 9 टू 14 में है CDCDCD। क्वेश्चन नंबर एच, पीपा पासेस वॉज पब्लिश्ड एज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, बेल्स एंड पॉमीग्रेनेट सीरीज। यहाँ पर हमारा एमसीक्यू वाले सेक्शन खत्म होता है। पूरा क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जल्द ही इन सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है वो www.jpathshala.com वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो के थ्रू आपका हेल्प हुआ हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।